वर्ल्ड में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने लकड़ियां भरी और मैं चल दिया था विलेज की तरफ। और यहाँ पर मेरे विलेजर ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर मेरे को पता लगा कि इनको एक माहौल चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर मैं इनको अपने घर की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी करने लगा। फिर और गाँव वासी बुलाने के लिए मैंने इनको आलू दे दिए इनके ब्रीडिंग के लिए। और फिर मैं इनके लिए छत बनाने लग गया, क्योंकि अगर एक भी जॉम्बी विलेजर बना तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर जल्दी से मैंने विलेजरों के साथ ट्रेडिंग करी स्टिक्स की। और फिर मैं जल्दी से वुड तोड़ने लग गया था, तो मुझे जाना था नेदर के अंदर। तो मैंने जल्दी से फार्म को स्टार्ट किया और अपनी बो को एंचेंट किया। तो मेरी बो पर मेंडिंग नहीं लग पा रही थी, क्योंकि मेरी बो पे कोई तो एंचेंटमेंट थी जिसकी वजह से मेंडिंग नहीं लग पा रही है। और फिर मैं जल्दी से नेदर एक्सप्लोर करने लगा। और फिर मेरे को एक क्वेश्चन मिल गई थी और मैंने उसे जल्दी से लूट लिया। तो मैं उसको लूटते हुए एक बार मर गया था और मेरी चड्ढी चली गई थी, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। और फिर आते ही अपने चेस्ट में सारा सामान रखा और कुछ और काम करे। फिर मैंने अपने कई सारे टूल्स को एंचेंट किया। और फिर मैंने जल्दी से अपने सारे आलूओं को काट डाला। और फिर मेरे पास हो गए थे लगभग एक चेस्ट पूरी भर के आलू। और फिर मैंने जल्दी से बहुत सारा वुल कलेक्ट कर लिया। और फिर से मैं बनाने लग गया था अपना नेदर पोर्टल। और अब मैं जाऊंगा नेदरराइट माइनिंग पर। और फिर मैं जल्दी से कोऑर्डिनेट 15 की तरफ माइन करने लग गया। फिर मैंने नेदरराइट माइनिंग को स्टार्ट किया। फिर जल्दी से डेवरीज को रख दिया था पिघलाने को। और जल्दी से नेदरराइट स्क्रैप निकाल के मैंने क्राफ्ट कर लिए थे नेदरराइट इंगट। और उन नेदरराइट इंगट से मैंने बनाए थे नेदरराइट की शवल। फिर मैं अपनी शवल का थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करने लग गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी देखना है तो वो भी इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो चलो बाय बाय।